एक असली शिनोबी परछाइयों में छुप जाता है। हमारा कोई वजूद नहीं होता। हमें परछाई में रहकर ही इस देश की रक्षा करनी है। जब कोई तुम्हें तुम्हारे उसूलों पर चलने से रोकने की कोशिश करे, तो उसे मार देना चाहिए। मुझे मत मारो, मैं भीख मांगता हूँ। शिनोबी की दुनिया में एक और खतरा आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अब से हम सब बस एक नॉर्मल फैमिली हैं। तुम्हारी फैमिली को नॉर्मल बने रहना पसंद है क्या? अपने लिए नहीं तो फैमिली के लिए तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना होगा। मैं अपने परिवार को दोबारा खतरे में नहीं डालने वाला। मुझे लगता है कि इस देश में जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं, उनके पीछे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है। उस क्रूज पर जो हुआ उसके बारे में तुम्हें पता तो होगा। कोई नया जहर इस्तेमाल किया गया, एक बड़ी साजिश को अंजाम देना है। राजनीति को बदलना चाहता हूं जिसने इस देश को अंदर से सड़ा दिया। उनके लोग पुलिस में भी हैं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरी फैमिली के बारे में भी। मत भूलो कि तुम दोनों शिनोबी हो, इसलिए वही फैसला लो जो सही है। तुम नॉर्मल हो, तुम नॉर्मल हो। इस फैमिली में सब लोग बिल्कुल नॉर्मल है। इस फैमिली में सब लोग बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल है।